एक नाती अपनी नानी के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए गया। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी खाने की परंपरा है, यहाँ भी खिचड़ी खाते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति को खिचड़ी खाई जाती है। तो खिचड़ी खाने के लिए नाती उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर, और नेपाल में भी आधे नेपाल में ये नियम है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, कि नाती जो होता है बेटी का बेटा, वो मकर संक्रांति के दिन अपनी नानी के यहाँ खिचड़ी खाने जाता है। तो खिचड़ी खाने गया तो नानी ने खिचड़ी परोस दिया, नाती खाने बैठ गया। नानी बाल्टी लेकर के पानी भरने चली गई। नानी बड़ी चालाक थी, पानी भरने इसलिए गई कि घर में रुकूंगी तो नाती घी मांग ले शायद, तो पानी भरने चली जाऊंगी तब तक सूखी खिचड़ी खा लेगा तो घी देना नहीं पड़ेगा। चालाक व्यक्ति अपनी नानी को भी नहीं छोड़ता है, नाती को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन जो नानी इतनी चालाक है तो इसका नाती सोचो कितना चालाक होगा, वो भी तो चालाक ही होगा। चालाक से चालाक ही पैदा होता, घोड़े से घोड़े पैदा होते, गधे थोड़े पैदा होते। तो उस नाती ने थोड़ा इंतजार किया कि नानी अब आ जाए, नानी अब आ जाए, नानी अब आ जाए। नानी 10 मिनट तक आई ही नहीं। तो नाती ने सोचा आखिर नानी गई है पानी लेने, घी थोड़े गया पानी लेने, घी तो कहीं घर ही में होगा, तलाश करूंगा मैं, मिलेगा तो है। तो इधर उधर देखा, ढूंढा तो एक रस्सी में छोटे से घड़े में घी रखा हुआ था। तो उसने हाथ से पकड़ा तो लंबाई कम थी, तो कुर्सी रखकर ऊपर चढ़कर उतारा तो देखा उसमें घी 1/2 किलो है। लेकिन 14 जनवरी ठंडी का महीना तो घी जाम हो गया था। तो नाती ने सोचा थोड़ा चूल्हे की आग पर रख देता हूँ, पिघल जाए। तो चूल्हे की आग पर रख दिया, पिघल गया। तब तक नानी के आने की आवाज़ सुनाई दी, बाल्टी की आवाज़ सुनाई दी, नानी आ भी। तो नाती डर गया, उसने उस घी के पात्र को उठाकर फिर उसी रस्सी पर टांग दिया, अब बैठ गया, अब खिचड़ी नहीं खाया। तो नानी ने कहा कि बेटा खिचड़ी खाया नहीं, क्या बात है, खा ले बेटा, खा ले खा ले। तो उसने कहा नानी मैं बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता हूँ, ये रूखी सूखी कभी नहीं खाता हूँ, घी दे दो तो खा लो। अरे बेटा तेरे से ज़्यादा मेरा प्यारा कौन है, घी तो है ही नहीं घर में, नहीं तुझको जरूर खिलाती। नाती तो सोचता था घी तो है, देख चुका हूं। नाती ने कहा जब मेरे घर में घी समाप्त हो जाता है तो मेरी माँ घी का पात्र ला करके मेरी थाली में औंधा कर देती है तो मुझे तसल्ली हो जाती, फिर मैं खा लेता हूं। तो घी नहीं है तो घी का पात्र औंधा कर दो। तो नानी सोचती थी घी तो जाम है, ठंडा है, औंधा करने से भी गिरेगा नहीं, लेकिन नाती तो जानता था घी तो पिघला हुआ टाइट है, तैयार है, बस आने दो। नानी नाती दोनों चतुर, दोनों खेले दांव। नानी दौड़कर जाती है, ऊपर से घी का पात्र उतारती है और नाती की थाली में जल्दी से औंधा कर देती स्पीड से, ताकि ये देख ना पाए। और घी पिघला हुआ था, पूरा गिर गया 1/2 किलो घी थाली में, थाली भर गई। नाती ने कहा मेरे भाग्य से निकल आया। नानी ने कहा मुझे याद नहीं था, ले ले तो खा ले, कोई बात नहीं। तो नाती खाने लगा। तो नानी सोचने लगी कि नाती इतना घी खाएगा तो मेरा नुकसान बहुत होगा। तो नानी ने एक और दांव खेला कि बेटा जब नाती नानी के घर घी खाने आता है तो नाती के साथ में नानी भी खाती है, बहुत प्रेम प्यार से खाती है, तो मैं भी तेरे साथ खाऊं। तो नाती ने कहा खा लो नानी। तो नानी भी खाने बैठ गई। तो नानी घी ज्यादा उठा उठा कर खाती थी। तो नाती ने सोचा हे बड़ी चालाक नानी, प्रेम भी करती है, चालाकी भी करती है, घी खाती है, वो हमको बात सुनाती है,
तो नानी बीच बीच बात करती है कि तेरे नाना जी बहुत बीमार रहते थे, उनका इलाज बहुत किया, बहुत दुख मिला मुझको। तेरे मामा बीमार होकर मर गए, वो भी दुख मिला। और तेरी माँ भी बचपन में बहुत बीमार होती थी, उसके लिए मैं बहुत दुखी हुई। तो नाती ने कहा, तुम सबका दुख नानी कहाँ तक भोगोगी, कहाँ तक रोगी, सबका दुख हम एक साथ उठाकर पी लेते हैं। तो उसने खिचड़ी की थाल उठाई, घी उठाकर पी लिया, बोला सबका दुख खत्म हो गया।